फसल मार्केट स्क्वायर चांदनी चौक शिवाजी नगर, तमाम एसोसिएशनों के जिम्मेदारान और आम पब्लिक, हमारे कारपोरेटर जनाब शकील अहमद साहब, फयाज भाई एक्स कारपोरेटर, मुजीब भाई एक्स कारपोरेटर, इन तमाम लोगों ने आज यहाँ जो ये शहीदों की याद में जो श्रद्धांजलि पेश करने के लिए आए हैं, ये वही लोग हैं जो हमें घर में सुकून की नींद सुलाकर इन्होंने अपनी जान दी है, हमारी हिफाजत की है। हम यहाँ आज सेफ हैं तो इन्हीं की वजह से हम इनकी याद में एक श्रद्धांजलि के तौर पर आज का ये एहतमाम किया है। हम लोग, बहुत अफसोस की बात है, इनकी फैमिली के साथ हम हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। हम देश के साथ हैं। इनके जितने भी लोग जो शहीद हुए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे। कहें ये सियासत का वक्त नहीं है, मैं कोई बात सियासी बात करना नहीं चाहता। हम अफसोस और इन लोगों की याद में यहाँ खड़े हैं। आगे भी इंशाल्लाह हम ज़रूर हम लोग सब देश के खातिर हमारी जान भी हम देने के लिए हाजिर हैं। हम तमाम लोग हाजिर हैं, हमारे देश के लिए हम हाजिर हैं। और ये जो लोग जो शहीद हुए हैं उनकी इनकी याद में उनको श्रद्धांजलि पेश करने के लिए हम ये लोग यहाँ जमा हुए हैं। शुक्रिया। आज हमारे शिवाजी नगर के हलके में जो हमारे बॉर्डर पर, जो चाइना बॉर्डर पर जो हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं, हम इन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ सब जमा हुए हैं। हमारे सुजाउद्दीन साहब, फयाज साहब, हमारे मुजीब साहब, पूरे सब मिलकर यहाँ पर जमा होकर श्रद्धांजलि के लिए रहे। ये आप जो बता रहे थे, वहाँ चीनी एक भी आदमी नहीं था, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है वो बॉर्डर पर जाकर देखने के लिए। ये गवर्नमेंट को ख्याल रखना था, ये 20 नौजवानों के वास्ते इन लोगों एक्शन उठाना था। ये पता नहीं बोला तो ये गलत बात है। अगर नहीं हो सका तो हम लोगों को बताइए, हमारे शिवाजी नगर हलके से हर घर से एक आदमी जाएगा चाइना को लड़ने के लिए। इंशाल्लाह हर घर से एक आदमी जाएगा। एक बात बता दिया, बताओ हम लोग जाना है तो हम लोग जाएंगे, देश के लिए शहीद होंगे। हर घर से एक बच्चा जाएगा हमारे शिवाजी नगर हलके से, अगर नहीं है तो बताइए। सर, प्राइम मिनिस्टर क्यों सब कदम नहीं उठा रहे हैं चाइना के खिलाफ, क्या वजह हो रही है, क्या है? वही बोल रहा हूँ सर, अगर नहीं है, कुछ आर्मी कम है, कुछ ये कम है, तो हमारे हमारे जो जवान है उनके साथ हम लोग भी खड़े होकर घुसेंगे चाइना बॉर्डर में, घुसकर मारेंगे हम लोग भी। एक चांस देकर देख लीजिए। जब सेक्शन नाकाम रही है सर, इस बारे में आप लोगों को पता है इसके बारे में। जब सेक्शन 370 हुई थी, जब सेक्शन 370 हुई थी उस वक्त प्रधानमंत्री जी का यह कहना था कि हम जान को जान देंगे, अभी कुछ भी टॉलरेट नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब 20 लोग मरे हैं तो बॉर्डर के अंदर आ चुके हैं, उसलिए मरे हैं, हमारी इंडिया की इंडिया के उधर नहीं गई, ये बॉर्डर के अंदर आए हैं। तो आप कह रहे हैं मालूम नहीं, तो पता नहीं जब इस वक्त 56 इंच का सीना क्या कर रहा है, इस वक्त काम करना की बात होती है तो दूसरे दिन में एयर स्ट्राइक होता है। अब चाइना की बात हो रही है, महीनों गुजर रहे हैं, दिनों गुजर रहे हैं, यहाँ पे कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, क्या वजह हो सकती है? जब से प्रधानमंत्री जी आए थे तो यही कह रहे थे कि हम हर चीज़ अच्छा करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, काला पैसा आएगा। ये आने के बाद पब्लिक को खुद मालूम हो गया है, पब्लिक खुद समझदार है, हम उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक जानती है, देख रही है क्या है बोल के। अब हम बस वेट कर रहे हैं अच्छे दिनों का, वो कब आएंगे पता नहीं। जो भी है, ख़राब दिन है हम लोगों के।